गुड मॉर्निंग इंद्रैन बच्चों, इस मानसिक योग्यता परीक्षण के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। मैं बच्चों आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 के प्रश्नों को हल करके बता रहा हूँ कि आखिर इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाए और आसानी से हम इसको हल कर सकें और कोई भी हमारा उत्तर जो है वो गलत ना हो। ठीक है बच्चों, तो आइए इस तीसरे वीडियो में हम लोग भाग 5 हम लोग करने चले। सबसे पहले बच्चों हम निर्देश को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए हैं। देखिए, दो सेट दिए गए हैं, एक पहला सेट ये है, फिर ये चार बिंदियां हैं, इसके बाद ये दूसरा सेट ये दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, तो देखिए ये पहले सेट, ये दूसरा सेट, दूसरे सेट में ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। प्रत्येक सेट के दो प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है, ये जो है इसका संबंध इससे है। ठीक है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। अब तीसरे का और चौथे का भी वही संबंध होना चाहिए जो कि इस पहले और दूसरे का संबंध है, तो ये हमें संबंध खोजकर इसका उत्तर हमें ढूंढना होगा। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, तो इसमें से हमें उसका चित्र का चयन करना है उत्तर चित्र में से जो हूबहू इसमें जाके फिट हो जाए। इसकी तरह अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो ये बच्चों हमने निर्देश अच्छे से पढ़ लिया, हमने समझ भी लिया है कि हमें करना क्या है। इन चारों प्रश्नों में 17 से 20 तक इसका जो संबंध है इससे है, वही संबंध हमें ढूंढ कर उत्तर से इसमें से निकालना है। 17 नंबर क्वेश्चन में ये जो बाहर वर्ग बना, मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं अंदर वाले को ड्रॉ कर रहा हूं। तो अंदर में आप देखेंगे एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल के बाद देखिए ये दो लाइंस ऐसे बनी हुई हैं। तो जो इसका उत्तर है, संबंध हम देख रहे हैं कि पहले सर्किल बना हुआ है, फिर ये जो दो लाइन्स थी उन्होंने ऐसे करके आपस में इसको काट दिया है 90 डिग्री पे, एक ऐसे चली गई एक ऐसे चली गई। ठीक है, ये सीधी सीधी लाइनें थी, तो इन दो लाइनों का ऐसे प्रयोग किया गया है। फिर हम ये देख रहे हैं कि जो सर्किल बना था उसी सर्किल को छोटे स्वरूप में, छोटे रूप में, छोटे फॉर्म में अंदर दे दिया गया है। तो ये चार अंदर गोले बने हुए हैं इसके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह का संबंध है। अब हम दूसरे वाले चित्र में देखते हैं, तो यहां सर्किल ना बनके एक वृत्त ना बनकर एक वर्ग बना हुआ, एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, स्क्वायर के अंदर दो लाइनें ऐसे दी गई हुई हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाई उत्तर कैसे क्या होगा। तो अंदर का भी देखिए वर्ग इस हिसाब से ही हम सोचें जैसा ये दिया हुआ है, अंदर भी एक वर्ग बना रहेगा, दो लाइनें एक दूसरे को काटी रहेंगी, क्योंकि देखिए वर्ग के अंदर वर्ग है, तो यहां पे देखिए एक सर्कल बना हुआ था, वृत्त बना हुआ था, इसलिए वृत्त बने हैं। तो अंदर क्या बनेंगे, स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, चार के सेट के स्क्वायर बनेंगे, मैं एक ही बना रहा हूं इसमें। तो हम देख रहे हैं कि किसमें ऐसा है, तो इसमें देखिए इस वाले सी में ऐसा है। तो 17 का सी बच्चों देखिए हूबहू है, बाहर का एक वर्ग, क्योंकि ये अंदर वर्ग था तो अंदर वर्ग आया। ठीक है, और क्योंकि देखिए ये जो बाहर एक गोला था, इसको इसने चार बार यहाँ जो प्रश्न क्षेत्र में रिपीट किया है, तो यही देखिए वर्ग जो है चार बार हरेक आपके वर्ग अंदर वाले वर्ग में रिपीट हो रहा है। ठीक है, और किसी में भी देखिए ऐसा नहीं, ये भी देखिए हूबहू ऐसा ही है, लेकिन इसने क्या किया है, इसने चार बिंदियां दे दी उस जगह। ठीक है, और यहाँ पर बिंदियों की संख्या काफी ज्यादा है, और ये तो एकदम गलत है। ठीक है बच्चों, तो उत्तर हमारा क्या होगा, 17 का सी। तो इस तरह से आप सोच के प्रश्नों को हल करेंगे, आप देखेंगे कि कैसा उसमें निश्चित एक संबंध है, उसी तरह का हमने संबंध यहाँ स्थापित किया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन को देखें, आपके सामने बच्चों सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहां हम देख रहे हैं कि इस तरह का एक पहले तो त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, फिर एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, फिर अंदर जो फिगर बन रही है बच्चों वो यहां पे उतार के इन्होंने हेक्सागन एक बन रहा है, इसको उतार के इन्होंने यहाँ पे ऐसे रख दिया है, जो दोनों एक दूसरे को काट रही है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न चित्र को हम अगर देखते हैं तो ये ट्रायंगल है, ठीक है, त्रिभुज एक है, त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज ऐसे बना हुआ है। ठीक है, बस इसी को देखिए बिना रंगा वाला पार्ट अगर हम इसको सीधा निकाल के रखते हैं ये ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका उत्तर साफ साफ दिख रहा है, 18 का क्या होगा उत्तर, बी। और भी देखिए त्रिभुज सभी हैं इसमें, लेकिन हमें डायरेक्शन को देखना है, क्योंकि ये हूबहू देखिए वैसे ही निकाल के यहां रख दिया गया,
तो वैसे ही त्रिभुज को भी हमें देखिए इसका जो नीचे वर्टेक्स आ रहा है ठीक है, और ऊपर बेस जा रहा है इसका, तो इसमें देखिए उल्टा है, ऊपर बेस ऊपर वर्टेक्स जा रहा है, इसमें नीचे वर्टेक्स जा रहा है, यही उत्तर है हमारा। इसमें देखिए आपका राइट हैंड साइड वर्टेक्स हो गया नीचे ना होकर, और ये लेफ्ट हैंड साइड वर्टेक्स हो गया ठीक है, इसका जो कोना है ठीक है। तो इसलिए उत्तर क्या हो गया 18 का बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों। ये बच्चों देखिए बी इस तरह से लिखा हुआ है, फिर बी को इन्होंने पलट के ऐसे लिख दिया है, तो इन प्रश्नों को आप कैसे समझेंगे? ये असल में इसका है बच्चों मिरर इमेज, शीशे की इमेज है। अगर हम कोई भी चीज शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो वैसा ही वो दिखेगा ठीक है बच्चों। आपको उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, परीक्षा में तो आपको मिरर नहीं मिलेगा, लेकिन आपके समझ के लिए बता रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। अगर बी ऐसे लिखा है तो देखिए बस क्या हुआ, बी को इस तरह से अगर हम पलट दें ठीक है, तो यही वाली बी की स्थिति आ जाएगी जो को आपको शीशे के अंदर यहाँ पे दिख रहा है ठीक है। तो हम आखिर इन प्रश्नों को कैसे हल करें, कैसे समझे? तो दिमाग में आपको देखिए कुछ चीजें तो हैं जो मिरर इमेज, जो हमारी आप किताब कोई ना कोई किसी ना किसी पब्लिकेशन की खरीदे होंगे, तो आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करके दिमाग में अपने बैठाना होगा कि अगर इस तरह का है तो हमें अगर इस चीजों को ऐसे पलट दें तो बी इसी पे ओवरलैप करेगा। और मिरर की सहायता आप शुरुआत में बस ले सकते हैं समझने के लिए, जानकारी के लिए, मैं आपकी जानकारी के लिए ही बस इस मिरर का शीशे का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बी आखिर कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए ठीक बी इसका मिरर इमेज है ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो ये है बी है इसका मिरर इमेज है, इसको हम कैसे समझेंगे देखिए, अगर इसको दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर हम देखिए बी लिख रहे हैं ठीक है, अगर हम इसको बच्चों ऐसे पलट देते हैं ठीक है, तो जो उत्तर आएगा वही इसका मिरर इमेज होगा। ये देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, ये देखिए ये लाइन दिख रही है हल्की हल्की आपको, तो ये देखिए मैंने बनाया है। इस तरह से भी आप इसको जान सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन परीक्षा में आपके पास ना इतना समय होगा कि आप, और ये चीजें करना अलाउड भी नहीं रहता बच्चों, ना ही आपको आप मिरर मिलेगा। तो हम चीजों को समझ के चलिए कि अगर कोई चीज ऐसे है, अगर हम इसको पलटते हैं वापस तो ये ऐसे बन जाएगा, अगर बी ऐसे लिखा है तो इसको पलटते हैं तो ऐसे बन जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि ए, ए आप जैसे भी देखें ए हमेशा ए ही लगेगा। ये देखिए इसका भी मैं अगर ड्रॉ कर दे रहा हूं, देखिए ए हमेशा ऐसे ही। तो इसके मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं रीजनिंग के मिरर इमेज कैसे जाने जाते हैं इसको मैं अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको ठीक है बच्चों। अभी तो मैं पेपर को हल करा रहा हूं। तो हमने देखा कि जो बी है ये ऐसे दिख रहा है, तो ई कैसा दिखेगा? ई ठीक इसको आप सोचिए कि इसको हम पलट दे रहे हैं ठीक है, अगर हम पलट दे रहे हैं तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी और ये वाली लाइन ई की ऐसे आ जाएंगी। तो ये हमें किस उत्तर में दिख रहा है? ये देखिए हमें ए में साफ साफ दिख रहा है। इसमें देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन कर दिए, ऐसे इसको भी दोनों एक ही डायरेक्शन कर दिया। ये देखिए ये वाला उत्तर होना चाहिए था, ई यहां सही तरीके से होना चाहिए था, ये गलत दिया हुआ है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? आंसर ए होगा ठीक है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 इसका देखें। इसमें बच्चों ये देखिए जो रिलेशन पहले और दूसरे का ये है कि एक तो इन्होंने जो तीर की दिशा थी, अगर ये आपका राइट हैंड साइड था, इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, अब बस डायरेक्शन पलट गया है ठीक है। और इसमें भी क्या हुआ, ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर चली गई। ये देखिए ट्रायंगल यहां था तो ट्रायंगल यहां आ गया, और ये रोम्बस यहां था तो रोम्बस नीचे था तो ऊपर आ गया। तो यही चीज हमें रिलेशन यहां ढूंढ रहा है, तो इसका उत्तर कैसे मिलेगा हमें? आप अगर इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा हाँ इससे भी हो सकता है, लेकिन अगर जल्दी बनाना है आपको तो आप क्या करेंगे, इसका ठीक जो इसमें दिया है इसका ठीक उल्टा बना लीजिए, ऐसे हुआ। इसके बाद ये वाली लाइन बनाएंगे हम ठीक है, ये हमें इसको पलटना है ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये वाली चीज नीचे आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि किस वाले फिगर में ऐसा है, सेम हो बहू है भाई, ए में तो नहीं दिख रहा है, बी में भी ऐसा नहीं है, सी देखिए पूरी तरह से मैच कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों आप इस सवालों को, आपको रफ पेपर मिलेगा तो आप इस तरह से भी इसकी हेल्प से आप जल्दी इन सवालों को हल कर सकते हैं, और देख के भी हल कर सकते हैं अगर आप विजुलाइज कर पाए अच्छे से कि यहां पर ये जो वाई अगर दिख रहा है तो ये उल्टा वाई दिख रहा है मान लीजिए, या वी दिख रहा है तो वी ऊपर चला गया ठीक है, और ये वाला फिगर आकृति नीचे आ गई, और ये जो गोला है वो इस तरफ को आ गया, हाँ इस तरफ को आ गया, और ये जो लाइन एक दी हुई इधर को आ गई। तो ऐसे भी आप सवालों को हल कर सकते हैं बिना कॉपी पेन के भी ठीक है। अब ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।